दोस्तों ये कहानी है तेरह साल की वेडनेस डे एडम नाम की एक लड़की की जिसके चेहरे पर किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं बनते थे और मौत को लेकर उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था वो सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और उसका क्या होता है इसी वजह से उसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद था उसे देखकर सबको अजीब सा लगता जैसे कि वो इस दुनिया की ही ना हो तो चलिए जानते हैं की आखिर वो लड़की ऐसी क्यों थी तो कहानी की शुरुआत में वेडनेस को एक स्कूल में दिखाया जाता है जहां वो अपनी डरावनी आंखों के साथ बरामदे में चल रही थी वहीं बाकी सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है तो उसके अंदर उसे अपना भाई बंधा हुआ दिखाई देता है जिसके मुँह में एक सेब था वेडनेसडे उसकी रस्सियों को खोलती है अचानक उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम बच्ची नहीं है और वो किसी को भी छू उसका अतीत और भविष्य देख सकती है जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग टीम के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया था तो वो दो बैग में पिहाना फिशेस को जो बहुत ज्यादा खूखार मांसाहारी मछलियां होती हैं, उनको भरकर स्विमिंग पूल के पास जाकर उन खून की प्यासी मछलियों को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है जिससे सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब वेडनेसडे कहती है कि उसके अलावा कोई भी उसके भाई को परेशान नहीं कर सकता इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेडनेस के माता पिता मोटिसिया और गोम्स को दिखाया जाता है वो दोनों वेडनेस की हरकतों से परेशान हो चुके थे इसलिए वो उसे नेव एकेडमी भेजने का फैसला करते हैं इस एकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी ताकत पर काबू पाना सिखाया जाता है मोटीसिया और गोम्स भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट्स थे जिससे पता चलता है कि उनके पास भी सुपर पावर्स हैं सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के एम्बॉक्स को दिखाया जाता है जो एक हाइकर था वो नेवोमो एकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है वो जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है कि अचानक एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है उस एरिया के एक पुलिस को उसकी जख्मी बॉडी मिलती है और वो आस की जाँच करता है यहाँ पता चलता है की ये पहला हादसा नहीं था बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे यहाँ हो चुके हैं दूसरी तरफ वेडनेसडे अकेडमी में जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लेरिसा वीम ऐसी मिलती है जो उसे Academy को चलाती है लेरिशा उसे रूमेट एनेट से मिलवाती है एनिट एक व्यय थी और हर मामले में वेडनेस से, से पूरी तरह अलग थी एनेट को रंग बहुत पसंद थे और उसने अपने साइड के कमरे को अलग अलग रंगों से सजा रखा था जबकि वेडनेसडे को काली और डार्क रंग की चीजें पसंद थी बाद में एनेट वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ के मेन ग्रुप फैंस फर्स स्टोनर्स और स्केल्स के बारे में बताती है फैंक्स के ग्रुप में वेम्पायर्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप में वे होते हैं और स्टोनर्स पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं वहीं स्केल्स में जलपरियां होती हैं, जो लोगों के साथ आसानी ऐसी हेरफेर कर सकती हैं। इन एड को सबसे पॉपुलर लड़की बैंसा बाकले के बारे में बताती है जो बहुत ही खूबसूरत जलपरी थी बायंसा का एक एक्स बॉयफ्रेंड फ्रेंड जैबियत थॉप भी उस एकेडमी में होता है जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकता है इसके बाद वेडनेस्टे के माता पिता वहाँ ऐसी चले जाते हैं लेकिन जाने ऐसी पहले विडनेसटे के पिता उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ वहाँ छोड़ देते हैं जो जिंदा होता है और उसे थिंक कहा जाता है इसके बाद वेडनेस्टे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और वहाँ बायसा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है बायसा और विडनेस्टे के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और दोनों बराबर पॉइंट पर होते हैं इसके बाद बायसा कहती है कि वो बिना किसी हेलमेट के ये गेम खेलना चाहती है और ये गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पे वार करते हैं बायसा वेडनेस पर वार करती है और उसके सर के बाएं तरफ एक कट लग जाता है जिससे वेडनेसडी के सर से खून निकलने लगता है इस तरह बायसा जीत जाती है वेडनेस्डे को चोट पर मरहम लगाने के लिए ले जाया जाता है जैसे ही वेडनेस्टे पट्टी लगवा कर बाहर निकलती है ऊपर से बर्ड के आकार का एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है लेकिन उसी वक्त सेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है कुछ देर बाद वेडनेस्डे अपने कमरे में वापस आती है तो उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिंग मिल जाता है स डे समझ जा कि ये उसके माता पिता का काम है इसलिए वो थिंक से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा वरना वो उसे ड्रॉर में बंद कर देगी थिंक डर जाता है और उससे वादा करता है कि वो वेडनेस डे के साथ गद्दारी नहीं करेगा वेडनेस डे ने जो परहाना वाला प्रैंक किया था उस वजह से उसे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है लेरिसा उसे नेवर अकेडमी के पास ही एक छोटे से शहर जेरिको में जांच के लिए लेकर जाती है वेडनेस्टे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो बाथरूम से जाने के बहाने खिड़की से निकलकर भाग जाती है इस बीच वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसे एक विजन आता है जहाँ वो देखती है उस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है वेडनेस्टे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए कॉफी शॉप में पहुँच जाती है वहाँ उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टायलर से होती है जो वहाँ कॉफी बेचने का काम करता है टायलर अपनी एस्प्रेसो मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मशीन में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे वो इटालियन भाषा में थे वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता था इसलिए वो आसानी से मशीन को ठीक कर देती है और इसके बदले में वो उसे बस स्टेशन तक छोड़ने को कहती है टायलर के कुछ कहने से पहले ही वहाँ वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेडनेसडे के भाई को टॉर्चर किया था वो लोग वेडनेसडे को भी परेशान करने लगते हैं पहले वेडनेसडे उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन्हें मारने लगती है कुछ ही समय में लरिसा पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है और वहाँ की हालत देख उसे उससे गुस्सा आता है और वो वेडनेसडे को डांटती है इसके बाद वो लोग नेवा मोर अकेडमी जाने के लिए निकल जाते हैं रास्ते में उन्हें एक टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में वही आदमी था जिससे वेडनेस टकराई थी उस रात वेडनेसडे वायलिन में बहुत डरावना म्यूजिक बजाती है वो पूर्णिमा की रात थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है तभी एनेट वेडनेसडे को बताती है कि वो खुद को वेरवोल्फ में नहीं बदल सकती इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी इस बीच थिंग टेलर के कमरे में जाता है और उसे वेडनेस से बात करने के लिए कहता है टेलर डर कर उसकी बात मान लेता है और वेडनेस से वीडियो कॉल पर बात करता है वेडनेसडे उसे आने वाले हावेस्र में मिलने के लिए कहती है और कहती है कि वो लोग वहाँ मजे करेंगे लेकिन असल में वो सिर्फ वहाँ से भागना चाहती थी हावेस फेयर में लेरिसा वेडनेसडे आरोप अपनी चील जैसी नजर बनाए रखती है इसके बावजूद टेलर से मिलने में कामयाब हो जाती है वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि वेडनेस अपने क्लासमेट रोवन से टकरा जाता है रोवन तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है रोवन से टकराने के बाद वेडनेस को विजन आता है की रोवन जंगल में किसी के हाथों बेरहमी ऐसी मारा गया है वो डर जाती है और भागने का प्लान बदल कर रोवन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है लेकिन इससे पहले की वो कुछ बोल पाती रोवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेडनेस को पेड़ के सहारे ऊपर लटका देता है इसके बाद वो वेडनेस्टे को अपनी के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी उसकी माँ ने पच्चीस बनाई थी और कहा था की बर्बाद कर देगी इसलिए रोवन कहता है की कुछ भी बुरा होने से पहले वो वेडनेस को मार देगा इसके बाद वो अपनी जादुई ताकत से वेडनेस का गला घोटने लगता है तभी एक भयानक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और रोवन को बेरहमी से मारकर वहां से गायब हो जाता है वेडनेस डे उसकी कटी फटी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई उस तस्वीर को उठाती है जिसे रोवन की मां ने बनाया था उसी वक्त पुलिस का हेड अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां आता है और रोवन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती है इसके बाद वेडनेस डे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है जो वहाँ हुई घटना के बारे में उसे बताती है लेकिन हेड को उस क्रिएचर वाली बात आरोप भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये काम नेव एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट का है तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है उसकी नज़र दरवाजे से निकलते हुए रोवन पर पड़ती है जो जिंदा था जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एनेट पीओ कप नाम की एक कॉम्पिटिट की तैयारी में बिजी है ये एक बोट रेस की प्रतियोगिता थी जो हर साल एकेडमी में ऑर्गेनाइज की जाती है बाद में वेडनेस्टे रोवन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन लेरिसा उसे कहती है की रोवन को अकेडमी ऐसी निकाल दिया गया है जिसका कारण वो उसे नहीं बता सकती वेडनेसडे को शक होता है और वो प्लान बी के मुताबिक थिंक को रोवन आरोप नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजती है फिर सीन बदलता है और रोवन को एक रेलवे स्टेशन में जाते हुए दिखाया जाता है थिंग उसका पीछा करता है रोवन आसपास का माहौल चेक करने के बाद वॉशरूम में चला जाता है जहां वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है लेकिन थिंग रास्ता भटक जाता है इसलिए वो रोवन को अपना रूप बदलते हुए देख नहीं पाता इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लेरिसा का रूप ले लेता है यहाँ पता चलता है कि लेरिसा ही अपना रूप बदलकर रोवन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी वेडनेसे के पास और कोई रास्ता नहीं होता इसलिए वो रोवन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है जहाँ उसे टेलर मिलता है जो अपने बाप का पीछा करते हुए वहाँ आया था थोड़ी देर बाद वेडनेसडे दे को रोवन का चश्मा मिलता है वो उसे उठाती है और उसे विजन आते हैं जिसमे वो देखती है की रोवन के पास नीले रंग की एक किताब थी जहाँ से उसे उसकी माँ की बनाई हुई तस्वीर मिली थी इसके बाद वेडनेसडे तुरंत ही अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उससे किताब के बारे में पूछती है उसकी टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट्स के समाज से जुड़ी हुई है जिसे नाइट शेड्स कहा जाता है लेकिन उस समाज को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है फिर स्कूल से जाने के बाद वेडनेसडे रोवन के कमरे में किताब ढूंढने के लिए जाती है रोवन के पलंग के नीचे उसे एक मुखौटा मिलता है वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोवन का रूममेट जेवियर आ जाता है और उसे देख के वेडनेसडे दे पलंग के नीचे छिप जाती है जेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बायंसा भी वहां आ जाती है वेडनेसडे उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि बायंसा आने वाले बोट रेस की प्रतियोगिता में एनेट को हराने के लिए प्लान बना रही है इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है और बायंसा को रेस में हराने के लिए प्रतियोगिता में एनेट का साथ देने का फैसला करती है अगले दिन एनेट और वेडनेसडे प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं इस रेस में सब कुछ अलाउड होता है इसलिए बायसा इसका फायदा उठाती है रेस में चार टीम भाग लेती हैं और नियम के मुताबिक जो टीम तालाब में गिरे बिना डेस्टिनेशन तक जाकर पहले वापस आ जाएगी वो रेस जीत जाएगी जैसे ही रेस शुरू होती है बायंसा अपने एक दोस्त को इशारा करती है जो एक जलपरी थी और बाकी बोट को बर्बाद करने के इरादे ऐसी बायंसा का साथ दे रही थी वो तालाब में कूद एक नाव को बर्बाद कर देती है जिससे वो टीम तालाब में गिर जाती है और रेस से बाहर हो जाती है वेडनेस और एनेट पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंग उसमें उनकी मदद कर रहा था थिंग की मदद से वो लोग भाईसा की दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं रेस के दौरान ही वेडनेस को एक विजन आता है और वो अपने सामने अपनी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखती है जिसके बाद सुनहरे रंग के होते हैं वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेस एक चाबी है जिससे वेडनेस काफी उलझन में पड़ जाती है उसे कुछ समझ नहीं आता लेकिन जैसे ही वो असली दुनिया में वापस आती है उसे पता चलता है कि बायसा रेस में आगे निकल गई है लेकिन वो हार नहीं मानती और बायसा की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके ये रेस जीत जाती है चालीस साल के बाद पहली बार कोई नॉन सान टीम ये रेस जीती थी लरिसा एनेट को पीओ कप ट्रॉफी देती है लेकिन वेडनेसडे को ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं था इसलिए वो वहाँ से चली जाती है वो नेवरमो एकेडमी के पुराने स्टूडेंट एडगर एलन पो की मूर्ति के पास जाती है और अचानक उसकी नजर उस मूर्ति के हाथ में रखी पत्थर की किताब पर जाती है जिसके नीचे उसे एक निशान दिखाई देता है वो निशान ठीक वैसा ही था जो उस तस्वीर में बना हुआ था जिसे रोवन ने मरने से पहले उसे दिया था उस बुक में वेडने से को कुछ पहलियां मिलती हैं, जिसे वो तुरंत सुलझा लेती है और उसे एक सुराग मिलता है उस सुराग में दो बार चुटकियाँ बचाना होता है जब वो दो बार चुटकियाँ बजाती है तो अचानक एक छुपा हुआ बरामदा खुल जाता है जहाँ एक गुप्त कमरा होता है वहाँ वेडनेसडे को रोवन की किताब मिल जाती है जिसमे रोवन ने तस्वीर को फाड़ निकाला था वो उस किताब को अपने बैग में रखती है लेकिन इससे पहले की वो आगे जा पाती कोई उसके सिर को एक काले कपड़े ऐसी ढक देता है थोड़ी देर बाद जब काले कपड़े को हटाया जाता है तब वो देखती है कि की जेवियर और कुछ स्टूडेंट्स उसे घेर कर खड़े हुए हैं और ये सभी नाइट शेड्स के सदस्य हैं। यहाँ पता चलता है कि लेरिसा ने उनके ग्रुप को खत्म किया था इसके बाद जेवियर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है लेकिन वेटनेस ऐसी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है इसके बाद लेरिसा को दिखाया जाता है जो आउटरीच डे के बारे में घोषणा करती है जहाँ अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को शहर के आम लोगों ऐसी मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम करना होता है इन लोगों को नॉमीज कहा जाता है जब वो लोग शहर पहुंचते हैं तब जेवियर को बताती है कि उसके रूममेट की मौत हो चुकी है लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता है और वो कहता है कि रोवन की मौत नहीं हो सकती उसे बस एकेडमी से निकाल दिया गया है इसके बाद विडनेस डे उसे वो तस्वीर दिखाती है जो रोवन की माँ ने बनाई थी जेवियर उस तस्वीर को करीब से देखता है और कहता है की इस तस्वीर में जो आदमी है उसने जेरिको शहर को बसाया था और उसका नाम जोसेफ क्रैक है थोड़ी देर बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है जहाँ जेरको के इतिहास के बारे में पता चलता है वहाँ वेडनेसडे यूगिन नाम के लड़के ऐसी मिलती है जो मधुमक्खी पालने वाले क्लब में उससे पहले मिल चुका था और दोनों की दोस्ती भी हो गयी थी वो दोनों बातें करने लगते हैं और आस की चीजों को देखते हैं इसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहाँ की केयर टेकर अर्लिन से मिलते हैं जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड घुमाते हुए जोसेफ क्रैक की कलाकृतियों के बारे में बताती है वेडनेसडे को ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो अर्लिन से उसके बारे में और जानना चाहती है बताती है कि उनके पास जोसेफ क्रैकस्टोन के खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार खाने पीने के बर्तन और फैमिली रूम्स भी हैं। वेडनेस से कहती है वो यहाँ काम करना चाहती है लेकिन अर्लीन कहती है कि उसे रिनोवेट किया जा रहा है इसलिए वो वहाँ काम नहीं कर सकती है और कहती है वो सब ये ओल्ड वजरी में काम करेंगे और घूमने आए हुए लोगो को केक बांटेंगे बाद में वेडनेसडे और युगीन क्रैक स्टोन के फैमिली रूम में घुस जाते हैं वहाँ वेडनेस को एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो लड़की भी होती है जिसे वेडनेसडे अपने विजन में देखा था थोड़ी देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो उस लड़की ने पकड़ी होती है वेडनेस देखती है कि उस किताब के सारे पन्ने खाली हैं, इसलिए उसे शक होता है कि ये किताब नकली है तभी वहाँ यूगीन के साथ अर्लीन आ जाती है और उसे पकड़ लेती है वेडनेसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है तब अर्लीन झिझकते हुए बताती है की एक महीने पहले वो किताब चोरी हो गयी थी इसके बाद वो कॉफी शॉप में वापस टेलर से मिलती है और वो दोनों जोसेफ के बारे में पता करते हैं टेलर कहता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में है और पूरी तरह खंडर हो चुका है जिसका इस्तेमाल अब क्रैश पैड के रूप में किया जाता है इसके बाद वेडनेसडे जोसेफ क्रैक की उस जगह की तलाश करने के लिए थिंग के साथ तुरंत जंगल में जाती है इस दौरान उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है लेकिन थिंग उसका दम घोटने लगता है और उसे डरा भगा देता है तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो खुद को चार साल पहले के टाइम में देखती है यहाँ वो सुनहरे बाल वाली लड़की दिखाई देती है जिसे वेडनेसडे पहले भी अपने विजन में देख चुकी थी उस लड़की को गाँव वालों ने घेर रखा था और वो उसे शैतान की संतान कहकर पुकार रहे थे तभी वहाँ जोसेफ क्रैक आ जाता है और उस लड़की को गुडी एडम्स कहकर बुलाता है वो कहता है कि गुडी एक डायन है और उसे भी उसकी माँ और दूसरे आरोपी के साथ उस खेत में मर जाना चाहिए इसका जवाब देते हुए गुडी कही है कि जोसेफ ने उसकी जमीन हड़पी है बहुत से निर्दोष लोगों की जाने ली है और उनकी शांति छीनी है जोसेफ को गुस्सा आता है और वो गुडी को थोड़ी देर तक घूरता है और फिर उस खेत में आग लगा देता है गुडी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो वो एक गुप्त दरवाजे से निकलकर कर वहाँ से भाग जाती है वेडनेसडे वहाँ छुप कर ये सब कुछ देख रही थी गुडी जल्द ही वेडनेसडे के पास आती है और कहती है की जोसेफ अपनी ये लड़ाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको मार नहीं देगा इस खुलासे के बाद वेडेंसडे असली दुनिया में आ जाती है वो थिंक को सब कुछ बताती है जो उसने अभी अभी देखा था उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक उन्हें वही भयानक राक्षस नजर आता है जिसने रॉबन को मारा था उसी वक्त बारिश होने लगती है वेडने से बारिश में भीगते हुए उसके पीछे भागती है लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है वेडने से उसके पैरों के निशान का पीछा करती है लेकिन अचानक वो निशान इंसान के पैर के निशान में बदल जाते हैं जिससे पता चलता है की वो राक्षस कोई इंसान ही है तभी वेडने जेवियर से टकरा जाती है और उसे सब कुछ बताती है जो उसने देखा था जेवियर उन पैरों के निशान को देखना चाहता है लेकिन बारिश के कारण पैरों के निशान मिट जाते हैं अगले दिन शहर में जोसेफ क्रैक स्टोन की नई मूर्ति के उद्घाटन के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है वेडने जेरिको के मार्चिंग बैंड के साथ डोंट स्टॉप का म्यूजिक प्ले करती है और शहर के मेयर और प्रिंसिपल एरिसा मूर्ति का उद्घाटन करते हैं लेकिन तभी थिंग वेडनेसडे के ऑर्डर के मुताबिक मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग डर कर भाग जाते हैं वेडनेस की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और वो अब भी वायलिन बजा रही होती है इसके बाद लरीसा वेडनेस डे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वेडनेस डे ने किया है लेकिन वेडनेस कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है वेडनेस डे लरिसा पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि वो जंगल में होने वाले खूनी हादसे का सच जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी उस रात वेडनेस डे को मिलने वाला बेघर आदमी जंगल में दिखाई देता है तभी वो राक्षस उस पर हमला कर देता है उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें वहाँ की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। कुछ समय बाद पुलिस हेड और उसकी टीम जंगल से उस खंडर तक पहुँच जाते हैं और उन्हें उस बेघर बूढ़े आदमी की बॉडी मिलती है उन्हें वो कैमरा भी मिलता है जिसमे हादसे के वक्त की फुटेज होती है जो असली गुनाकार को सामने ला सकता है जब कैमरे की तस्वीरों को बड़ा करके देखा जाता है तब पुलिस हेड हत्यारे का चेहरा देखता है वो एक राक्षस का चेहरा था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी के बुरे सपने से निकल कर आया हो दोस्तों अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखें। और ये सीरीज यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना